हाँ वर्स पैराग्राफ यार। या गुड इवनिंग मैडम, नाउ वी विल कवर व्हाट टुडे, वी विल कवर सम इम्पोर्टेंट वर्क्स रिटन इन ब्लैंक मार्क्स। कुछ एक इम्पोर्टेंट वर्क्स को बात करेंगे, बाकी ऑलरेडी आप उससे वाकिफ भी हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स को लेकर के बात होगी। तो नाउ वर्क्स रिच या मैम, द थिंग विच यू आर गेटिंग दीज आर और दीज ऑल आर द पॉइंट दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। वेन यू टॉक अबाउट ब्लैंक वर्ड्स, वेन यू टॉक अबाउट फ्री वर्ड्स, इस सब का सब, अब जो टर्म की बात हो रही है वो सीधे जो है उस टर्म को थियरी से ना होकर के जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट से है, टर्म्स रिलेटेड टू ड्रामा, टर्म्स रिलेटेड टू पोइट्री, टर्म्स रिलेटेड टू अभी प्रोज का हुआ था, जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी जो ये सब चीजें हैं, ये सारी चीजें टर्म्स में है और यही सारी चीजें आती हैं इन सारी चीजों से करना। बाकी जो और इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो शुरू में कराए गए थे। वर्क्स रिलेटेड नॉट रिलेटेड, वर्क्स रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक सम वर्क, और ये जो वर्क्स हैं ये किसमें लिखे गए हैं, ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। ऑफन यू विल यू फाइंड वन आर टू क्वेश्चन समटाइम्स कम्स, और उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इस चीज का है कि शेक्सपियर रोट हिज प्लेज इन ब्लैंक वर्ड्स। शेक्सपियर रोट हिज प्लेज इन ब्लैंक वर्ड्स। शेक्सपियर ने अपना जो भी प्ले ट्रेजिडी कॉमेडी रहा हो वो सब उन्होंने किस में लिखा हुआ, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ। तो उसमें किसी का नाम नहीं लेना है, वो सब चीजें ये है कि ये सब का सब जो है रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू गेट या विच यू हैव टू टेक, दैट इज वॉट मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड आर कंपोज्ड इन ब्लैंक वर्ड्स। तो एक ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि पैराडाइज लास्ट जो है ब्लैंक वर्ड्स में है, पैराडाइज रिगेन ब्लैंक वर्ड्स में है। इसका मतलब कि जितने भी बड़े पोएट रहे हैं उन सब लोगों ने इसको लिखा हुआ है। अब जो तीसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये वर्क तो आया था कब, ये वर्क आया है ऑगस्टन एज में जब हीरोइक कपलेट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये वर्क लिखा किस में गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। वो कौन सा है, जेम्स टॉमसन द सीजन, जेम्स टॉमसन TH OMSON MPSON PSON, जेम्स टॉमसन, दिस इज द नेम ऑफ द पोएट, जेम्स टॉमसन द सीजन, SEASON द सीजन, SEASON। इट केम इन 1726 में लिखना शुरू किए हैं, 1730 में कंप्लीट हुआ है द सीजन। यू विल कम टू नो जो ये द सीजन है, इट केम इन 1726, 1730 में कंप्लीट हुआ है, इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया कि ये वर्क जो है ऑगस्टन एज में आया हुआ है, इज रिटन इन
ब्लैंक वर्ष। इस वर्ष से संबंधित कई क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला चीज कि यह अगस्टन एज में आया, लेकिन अगस्टन एज में आने के बावजूद भी यह किस पे लिखा गया है, यह ब्लैंक वर्ष पे। ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है जो उस समय आपको देखने को मिलेगा। शेक्सपियर ने तो लिखा, जॉन मिल्टन ने लिखा, लेकिन अगस्टन एज में, दैट वॉज द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जिसमें ये कहा गया था कि हीरो एक कपलेट ही एक आइडियल मीटर है आपको कोई चीज लिखने के लिए। तो कोई, तो इन्होंने क्या किया, हीरोइक कपलेट में ना लिख करके किसमें लिखा, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा कुछ और वर्क्स हैं जो मैं केवल उनके नाम अकेले लिखता चल रहा हूँ, आपको ये समझना है। टेनिशंस इडिल्स ऑफ द किंग, TEN SON, टेनिशंस इडिल्स ऑफ द किंग, टेनिशंस इडिल्स ऑफ द किंग, ये भी किसमें है, ये भी आपका ब्लैंक वर्ड्स में है, टेनिशंस इडिल्स ऑफ द किंग। इसके अलावा द प्रील्यूड, PRELUDE, द प्रील्यूड, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक ऑफ मिल्टन वर्ड्स वर्स सॉरी ऑटो बायोग्राफिकल एपिक ऑफ वर्ड्स वर्स इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड, इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड, इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑटोबायोग्राफिकल एपिक ऑफ वर्ड्सवर्थ इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। इसके अलावा सो मेनी अदर थिंग्स यू विल कम टू नो। एक आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का द रिंग एंड द बुक करके रहा है, नेक्स्ट वर्क जो फेमस है, रॉबर्ट ब्राउनिंग द रिंग एंड द बुक, द रिंग एंड द बुक, ये बहुत फेमस रहा है। ये भी किसमें लिखा गया है, ये भी आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। बाकी बहुत सारी पोयम है, टी एस एलियट का द वेस्ट लैंड भी आपका ब्लैंक वर्ड्स में है, ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टी एस एलियट्स, ELIOT एलियट्स, द वेस्ट लैंड 1922, द वेस्ट लैंड इज ऑल्सो रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो ये भी आपका किसमें लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। इन दिस वे आई टोल्ड यू एंड यू विल कम टू नो कि वर्ड्सवर्थ का चिंतन अबे जो फेमस पोयम है वो ब्लैंक वर्ड्स में है, कॉलेज का फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, टेनिशन का टीएस इडल टीएस, तो कुछ इंपॉर्टेंट पोयम्स भी है जो उसमें लिखी गई है वो ऑलरेडी आप जानते हैं, या मैं बैकग्राउंड नॉइस आपको मिल रही है, आप चाहिएगा तो उसे नोट कर लीजिएगा एंड यू विल आल्सो गेट दिस पॉइंट इन बुक आल्सो। तो इन दिस वे व्हाट वी हैव टेकन, इन दिस वे वी हैव टेकन कि विच प्रोमिनेंट वर्क आर रिटन इन ब्लैंक वर्ड। Yesterday I had gone about the characteristics of blank words, who introduced the blank words, and I also told you what is verse paragraph. So these are the points which I means which I shared with you. जो चीजें रही है. After it, I would like to go with what? After it, I would like to go with heroic couplet. But before taking heroic couplet, I'm just writing here some name of some poem. Note करके. इनका नाम है BEY, दूसरा फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, तीसरा
ईडल टीयर्स, टीयर्स ईडल टीयर्स, ये पोयम्स भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। कोई बहुत वो नहीं है, टिंटन अबे आपका जो विलियम वर्सवर्थ का है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट कॉलेज का है, टीएस एट ईडल टीएस टेनिशन का है। तो ये तीनों पोयम भी किसमें है जो एक फेमस एग्जांपल के रूप में दिया जा सकता है, इट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू इज दैट इज व्हाट दैट इज द हीरोइक कपलेट। CoUPLET, हीरोइक कपलेट। तो व्हाट आई वांट टू से, व्हेन वी टॉक अबाउट हीरोइक कपलेट, जस्ट रिमेंबर दैट कि दिस हीरोइक कपलेट अल्टीमेटली यू विल कम टू नो इट इज व्हाट। हीरोइक कपलेट का जो सबसे पहला पॉइंट है कि अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, इन आयाम्बिक पेंटामीटर। बहुत सिंपल सा छोटी सी डिफिनेशन है, और वो क्या है, सबसे पहला चीज ये राइमिंग वर्ड्स और ये पेयर में है, और दूसरा चीज क्या है जिसका यूज किया जाता है, आयाम्बिक पेंटामीटर का। तो दीज आर द टू पॉइंट रिलेटेड टू हीरोइक कपलेट विच यू हैव टू रिमेम्बर कि अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट पॉइंट जो हीरोइक कपलेट से इंपॉर्टेंट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड यूज्ड बाई चाउसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, लिखने की जरूरत नहीं है, चाउसर इन हिज बुक लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, तो दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू विल कम टू नो कि इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चौसर, या चौसर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चौसर इन हिज बुक, और उस बुक का क्या नाम है, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, सबसे पहली बार चौसर ने। तो चौसर को ही क्रेडिट जाता है, और उसके अलावा एक और उनकी किताब है जो जानना जरूरी है उसमें भी, एंड प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल, सो दिस इज एन अदर पॉइंट विच यू फाइंड इट हियर। सो नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू इज व्हाट दैट इज द थर्ड पॉइंट इट वॉज मेड पॉपुलर, इट वॉज मेड पॉपुलर बाई जॉन ड्राइडन, इट वॉज मेड पॉपुलर बाई जॉन ड्राइडन एंड परफेक्टेड एंड परफेक्टेड बाई डॉक्टर, नॉट डॉक्टर, एंड परफेक्टेड बाई अलेक्जेंडर पोप। यहां से देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि हीरोइक कपलेट को किसने पॉपुलर बनाया, इट वॉज मेड पॉपुलर बाई जॉन ड्राइडन, और इसको परफेक्ट किसने बनाया, अलेक्जेंडर पोप ने बनाया। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इट हैज टू टाइप्स, हीरोइक कपलेट के दो टाइप्स होते हैं, इट हैज टू टाइप्स
ये जो दो टाइप है उनमें से एक है आपका रन ऑन हीरोइक कपलेट, रन ऑन हीरोइक कपलेट, एंड द बी इज क्लोज्ड हीरोइक कपलेट। एंड द बी इज क्लोज्ड हीरोइक कपलेट एंड देर इज नो नीड टू डिफाइन की वट इज रन ऑन, ऑलरेडी यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इजी लैंग्वेज की रन ऑन हीरोइक कपलेट वट इज, इट्स वट की रन ऑन हीरोइक कपलेट इज अ टाइप ऑफ हीरोइक कपलेट विच टेक्स मोर देन टू लाइन टू कंप्लीट द सेंस, मीन्स द सेंस डज नॉट कंप्लीट विद इन टू लाइन, बल्कि ये क्या होता है मोर देन टू लाइन, दो की जगह चार छह में जाके फुल स्टॉप लगता है, इसीलिए इसका नाम है रन ऑन। रन ऑन होता है जारी रहना, जो सेंस है जो मीनिंग पोएट बताना चाहता है कहना चाहता है वो अभी भी चल रहा है। तो रन ऑन हीरोइक कपलेट और क्लोज हीरोइक कपलेट, क्लोज हीरोइक कपलेट में हर दो लाइन के बाद फुल स्टॉप आता है, तो यह एक अलग खासियत है, जैसे दोहा होता है तो दोहा में हर दो लाइन के बाद पूर्ण विराम हो जाता है, ऐसे ही क्लोज हीरोइक कपलेट। लेकिन रन ऑन हीरोइक कपलेट में सब कुछ वही होगा, लेकिन उसमें जो है आपका जो सेंस कंप्लीट होगा वो दो लाइन के बाद होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, कि इसमें पंक्चुएशन मार्क होता है जिसको हम सेजरा या पास कहते हैं, CAESUR, सेजरा आर पास। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका जो तरीका है वह कामा, कि मैंने ब्रेकेट में इसको रखा, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रेकेट, यही कामा ही क्या कहा जाता है, तेजरा या पास। पास मतलब होता है ठहराव, हीरोइक कपलेट में आप देखेंगे खासकर अलेक्जेंडर पोप वाले में, कि उसमें उन्होंने सेजरा या पास का यूज किया है, जिसका मतलब होता है कि थोड़ी देर रुकना ठहरना, देन यू हैव टू गो, दिस इज नोन वाज, दिस इज नोन सेजरा आर पास आर स्टॉप, चाहे आप स्टॉप भी इसको मतलब ठहराव करना उसमें। तो ये दो तीन चीजें रही हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट जी, या एनी वन इज सेइंग समथिंग, दैट इज कामा, दिस इज द पंक्चुएशन, आई जस्ट टोल्ड यू सेजरा या पास का यही यही ऐसे ही कामा यही होगा, वहां पे सेजरा या पास नहीं लिखा रहेगा, दिस कामा इज यूज। सबको चीजें समझ में आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कैन एनी वन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू टेक दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, कि इट वॉज एन आइडियल मीटर किस एज में रहा है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इट वॉज एन आइडियल मीटर इन रेस्टोरेशन ऑगस्टन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, अगर टोटल बात करेंगे, ये मैं तीनों एज की बात करूं, रेस्टोरेशन ऑगस्टन एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो ये जो पीरियड है 1660 से 1785 तक, तीनों को मिला करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अलग अलग ना करिएगा, 1660 से 1785 तक, जब तक रोमांटिक एज नहीं आ जाता, यह आइडियल मीटर बनाता था। इट वॉज एन आइडियल मीटर इन रेस्टोरेशन एज 1660 से 1700, ऑगस्टन एज 1700 से 1745, एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785, और यहाँ पे तीनों लिख दिया गया कि 1660 से लेकर 1785 ईस्वी तक क्या क्या था, इट वॉज एन आइडियल मीटर, यह आइडियल मीटर के रूप में बना हुआ था। आर यू गेटिंग इट, या नाउ रिमेम्बर दैट कि जो इम्पोर्टेंट वर्क है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क थे जो इस समय लिखे गए हैं जो हीरोइक कपलेट में हैं, उनमें से मैं कुछ पोएट का नाम, आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द पोएट बट देयर वर्क्स ओनली, कौन कौन से वर्क्स रहे हैं, तो एग्जाम्पल
एक वर्क है ए से आन मैन, पोप का ए से आन मैन बाई पोप लिख दे रहे। चलिए दूसरा, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, उन्हीं का ये भी है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। तीसरा, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट। इन दिस वे यू केम टू नो कि यहाँ पे मैंने तीन वर्क लिखा है और तीनों किसके द्वारा लिखा गया है, उन्हीं के द्वारा, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, जिसमें एक है एसे ऑन मैन बाई पोप, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथ नॉट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द फोर्थ, इसी से ही रिलेटेड है, वो है आपका रेप ऑफ द लॉक। एंड द नेक्स्ट इज डंस्योर्ड। एक और वर्क है, ये तो उन्हीं का वर्क था जो अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड है। अब अगर आप एक और फेमस वर्क देखेंगे, दैट इज एब्सोलम एंड अहिटोपेल बाय जॉन ड्राइडन। एब्सोलम एंड दिस इज एंड एब्सोलम ABSALOM एप्सोलम एंड अहिटोपेल बाई जॉन ड्राइडन। तो दिस इज द पॉइंट कि एप्सोलम एंड अहिटोपेल ये सब वर्क जो है किसमें लिखे गए, हीरोइक कपलेट में लिखे गए। लेकिन नोट करके आपको दो वर्क मैं जरूर लिखवाऊंगा जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कि वो दो या तीन पोयम जो हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन कौन सी है। तो इफ यू हैव नोटेड इट लेट मी नो, बिकॉज आई विल जस्ट डिलीट ऑल द स्लाइड देन आई विल स्टार्ट इट। या नाउ एक और चीज जो नोट करके मैंने बताया कि अगर किसी बात को कहा जाए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू गो कि यार रियली में वो पूछा जा चुका है। नोट करके आपको ध्यान में रखना है कि एक तो थॉमस ग्रेज एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, थॉमस ग्रेज ELEGY एलजी और रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। नंबर वन पॉइंट, थॉमस ग्रेज एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, दिस इज द पॉइंट। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ये किसमें लिखा गया, हीरोइक कपलेट में लिखा गया, हमेशा इसको आपको ध्यान में रखना है। एक दूसरी पोयम और है ब्राउनिंग का, ब्राउनिंग NG apostrophe ब्राउनिंग माई लास्ट डचेस। Is written in run on heroic couplet, run
आर एच ई आर ओ आई सी, हीरोइक कपलेट, सी ओ यू पी एल ई टी। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट वन, ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस इज रिटन, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रन ऑन हीरोइक कपलेट, हम सारे लोग सोचते हैं वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया, नो ये सब हीरोइक कपलेट में रन ऑन। एक तीसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में और रखना है, कीट्स इंडीमियन है, कीट्स इंडीमियन, समवन से इंडीमियन इज आल्सो रिटेन इन रन ऑन हीरोइक कपलेट। ये चीजें आपको जो है बिल्कुल याद होना चाहिए, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। नाउ नाउ द नेक्स्ट वर्ड्स फॉर्म व्हिच आई एम गोइंग टू टेक, आई वुड लाइक टू यूज नेक्स्ट स्लाइड, इट्स इंडीमियन, दैट इज द या एक चीज और जो चीजें ध्यान में रखना है कि दैट इज द फ्री वर्ड्स जस्ट राइटिंग हियर, फ्री वर्ड्स दिस फ्री वर्ड्स। इसके लिए एक तो एक चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहला पॉइंट की इट वॉज इन्वेंटेड बाई वॉल्ट विथ मैन, वॉल्ट विथ मैन, डब्ल्यू एच आई टी एम ए एन, एन अमेरिकन पोएट। सो यू विल कम टू नो इट वॉज इन्वेंटेड बाई वॉल्ट विथ मैन एन अमेरिकन पोएट, एन इट वॉज इन्वेंटेड बाई वॉल्ट विथ मैन एन अमेरिकन पोएट हु इन हिज पोएटिक वॉल्यूम लीव्स ऑफ ग्रास, एल ई दिस इज एल ई ए वी एस लीव्स ऑफ ग्रास, 1855 में पहला उनका ये पोएटिक वॉल्यूम आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव्स ऑफ ग्रास में अमेरिकन पोएट वॉल्ट विथ मैन ने इसको सबसे पहले यूज किया हुआ है, ये चीज जानना बहुत जरूरी। वॉल्ट विथ मैन ने और किसने यूज किया हुआ है, दैट इज लीव्स ऑफ ग्रास में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इट इज आल्सो नोन एज ओपन फॉर्म आर वर्स लिब्रा, इन फ्रेंच। एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी है बात बताई कि इट इज आल्सो नोन एज ओपन फॉर्म, इसको ओपन फॉर्म कहा जाता है या वर्स लिब्रा कहा जाता है इन फ्रेंच, फ्रेंच में। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी हैव टू टेक, ओपन फॉर्म वर्स लिब्रा इन फ्रेंच, फ्रेंच में। नेक्स्ट पॉइंट इट वॉज एन आइडियल मीटर ऑफ मॉडर्न एज, आइडियल वर्ड्स फॉर्म ऑफ मॉडर्न एज,
मॉडर्न एज में इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इससे संबंधित समझना है, जो इसकी खासियत है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज इरेगुलर, इट हैज इरेगुलर मीटर कामा स्टेंजा फॉर्म एंड राइम पैटर्न। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, उसका जो इरेगुलर मीटर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी इरेगुलर होगा। कोई भी चीज रेगुलर नहीं, वो किसी नियम में बंद करके नहीं चलती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसीलिए इसको फ्री वर्ड्स कहा गया। जो फ्री वर्ड्स है, या एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि एकदम ओपन वे में, अल्टीमेटली डिडेंट फॉलो एनी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आर थिंग, नो नॉट एट ऑल। तो इट हैज व्हाट, इट हैज इरेगुलर मीटर स्टैंडर्ड फॉर्म एंड राइम पैटर्न। एलियट ने भी यूज किया है, फिलिप लार्किन ने यूज किया है, W.H. ऑटन ने भी यूज किया है। जी जब यहाँ इरेगुलर वर्ड आ गया तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है क्या हुआ, वो इरेगुलर का मतलब ही अनराइम का ना, मतलब इस तब तो सारी चीजें आपका इरेगुलर चल रहा है। राइम पैटर्न अगर होगा तब भी इरेगुलर होगा, क्योंकि इरेगुलर का मतलब रेगुलर फॉर्म में नहीं। जब कोई चीज रेगुलर फॉर्म में नहीं, जिसका मतलब क्या हो गया, वो राइम ना हो करके अनराइम, अब एकदम से भी अनराइम नहीं। जैसे एक तो ब्लैंक वर्ड्स में ये होता है कि बिल्कुल राइमिंग नहीं होता, लेकिन इसमें राइमिंग होगा, लेकिन जो राइमिंग होगा वो रेगुलर नहीं होगा। आई थिंक यू गॉट इट। या कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम? ओके ओके, वी हैव टाइम नाउ। वी आर गोइंग टू टेक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ कवर करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज मीटर। कल ही मैंने आपको इसका डिफिनेशन बता दिया था, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल। उसका डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस मीटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो चीज आपको ये समझना है कि एक मीटर का टाइप होता है, जिसमें होता है पहला आयाम्बिक, आयाम्बिक की जो डिफिनेशन है वो पता होना चाहिए, कई बार पूछा जा चुका है। आयाम्बिक की डिफिनेशन क्या है? अन स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन, अन स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाई बाई स्ट्रेस्ड वन। इसका मतलब आयाम्बिक में जो पहला सिलेबल होगा वो अनस्ट्रेस होगा, उसके बाद का जो सिलेबल होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। दिस इज द पॉइंट, ये चीज ध्यान में रखना है। दिस इज द पॉइंट, स्ट्रेस STREESED स्ट्रेस्ड वन। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड वन, दिस इज व्हाट, दिस इज आयाम्बिक। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा है ना आयाम्बिक, और तो एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। या स्ट्रेस्ड का मतलब कि जिस पर जोर दिया जाता है, दबाव डाला जाता है, ऐसा सिलेबल जिस पर जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो आपके मुख से एक भारी भरकम आवाज निकलती है, उसको जोर दे करके बोला जाता है, तो उसको स्ट्रेस्ड कहा जाता है। जैसे लोग कहते हैं आजकल मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, परेशान हूं, मतलब मेरे ऊपर बहुत बोझ है, मेरे ऊपर बहुत दबाव है, वहीं से उस शब्द को लिया। स्ट्रेस, अनस्ट्रेस का मतलब कि बगैर दबाव डाले। मैडम क्लियर हुआ?
अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड वन, इसी आयाम्बिक का जो उल्टा होगा, जहां जैसे आपने आयाम्बिक को समझा है वैसे तुरंत आप इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, ट्रॉकेइक है, TROCHAIC, ट्रॉकेइक। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉकेइक तो इसमें सबसे पहला चीज क्या आ जाएगा, इसमें जो है वन स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें सबसे पहले स्ट्रेस्ड आएगा, अनस्ट्रेस्ड तो इसमें क्या STRESED, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड वन। इसमें क्या दिया जा रहा है, स्ट्रेस्ड सिलेबल किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, अनस्ट्रेस्ड वन के द्वारा। दिस इज द पॉइंट, जस्ट अगर आपका आयाम्बिक तैयार हो गया तो ट्रॉकेइक खुद तैयार हो जाएगा, अगर यह ट्रॉकेइक तैयार हो गया तो आयाम्बिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मीटर इज व्हाट, नेक्स्ट इज एनापेस्टिक PAESTIC, एनापेस्टिक। दिस एनापेस्टिक यू विल कम टू नो कि जो एनापेस्टिक मीटर होता है इसमें पहले टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा, बाद में उसके एक स्ट्रेस सिलेबल आएगा, टू अनस्ट्रेस्ड STRESED, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड वन, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड वन। दिस इज वॉट, दिस इज द एनापेस्टिक, जहां पे शुरू में कौन सा, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, जब दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा तो जो तीसरा सिलेबल होगा वह क्या होगा, स्ट्रेस्ड होगा। ये जो है आपका क्या हो गया, दिस इज वॉट, दिस इज द एनापेस्टिक, एनापेस्टिक का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डैक्टिलिक। यू विल कम टू नो इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डैक्टिलिक। एंड दिस डैक्टिलिक, हियर यू हैव टू रिमेम्बर, दिस डैक्टिलिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या चीज आएगा, इसमें पहले एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड आएगा, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। दिस इज द पॉइंट, डैक्टिलिक। तो यू विल कम टू नो कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड या क्या पॉइंट रहा है जहां पे हमें देखते हैं कि डैक्टिलिक है या एनी अदर थिंग। तो वी अल्टीमेटली गेट द पॉइंट कि ये सब चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, वन स्ट्रेस्ड सिलेबल इसमें आएगा और उसके बाद दो अनस्ट्रेस्ड होगा, और जो डैक्टिलिक है वो किसका अपोजिट हो जाता है, एनापेस्टिक का।
तो अगर आपने एक कवर कर लिया तो दूसरा तीसरा कवर कर लिया तो चौथा, खुद ब खुद ये चीजें अपने आप में कवर होने लगती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच आई विल टेक, दैट इज व्हाट, दैट इज द रिदम, RHYTHM, रिदम। रिदम का जो डिफिनेशन है, वायरिंग पैटर्न वायरिंग पैटर्न, ये एकदम से रट लीजिएगा, ये डिफिनेशन जो बताया जा रहा है, वायरिंग पैटर्न इन द बीट ऑफ द स्ट्रेसेस इन द बीट ऑफ द स्ट्रेसेस STRESSES इन द बीट ऑफ द स्ट्रेसेस तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिदम वेरिंग पैटर्न इन द बीट ऑफ द स्ट्रेसेस आर असेंस आर असेंस इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड यू विल कम टू नो व्हाट की वायरिंग पैटर्न, तो किसका पैटर्न मैंने कल भी बताया था, बीट वर्ड मैंने कल यूज किया था, जो बीट होता है वह बीट क्या होता है, दैट पार्टिकुलर बीट जो एक उतार चढ़ाव है, उस उतार चढ़ाव का जो पैटर्न है, इसीलिए आपको मैंने कहा डिफिनेशन रख लीजिएगा, वायरिंग पैटर्न इन द बीट ऑफ द स्ट्रेसेस आर असेंस, जब आप स्ट्रेस करते हैं या असेंस करते हैं इन द स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड, तो जो साउंड निकलता है उसका जो उतार चढ़ाव होता है वही आपका क्या होता है, रिदम होता है। अगर जो है बीट है और स्ट्रेसेस में है, तो उस स्ट्रेसेस के हिसाब से दो तरह का रिदम होगा, एक आपका रिदम क्या होगा, राइजिंग, और एक आपका रिदम क्या होगा, फॉलिंग। मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था, मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि जो राइजिंग रिदम है वह जो है आपका क्या इंडिकेट करता है, इसको आप फास्ट रिदम भी कह सकते हैं, जो फॉलिंग है इसको आप स्लो रिदम भी कह सकते हैं, जो राइजिंग रिदम है वह ब्रेवरी को, करेज को, वॉर लाइक एटमॉस्फियर को, जहाँ पे आप बहुत ही बोल्डनेस के साथ कोई बात रखते हैं, कहते हैं, वहां पे ये चीज होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मैकबेथ की, शुरू की वो दो लाइनें की राइजिंग रिदम हाउ डू यू फाइंड, जब वो कहती है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हाउ आई थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर, तो दे आर डांसिंग और दे आर मच पैशनेट एंड एक्साइटिंग, तो जहां पर भी मच पैशनेटिंग होगा, एक्साइटिंग होगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है आपका ए आएगा, या जितना भी पैट्रियोटिक सॉन्ग है, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट सेइंग कि सारा, मोस्ट प्रोबेबली जितना भी पैट्रियोटिक सॉन्ग है वो सारे के सारे सॉन्ग जो है क्या रहेंगे, उसमें ज्यादातर राइजिंग रिदम रहता है, या जहाँ पे वॉर लाइक एटमॉस्फियर है वहां पर भी यू फाइंड सच अ थिंग राइजिंग रिदम, या जहाँ पे पोएट बहुत ज्यादा पैशनेट है, इंथुसियास्टिक है, और उसका अपना जो है बहुत ही खुल करके एकदम से करता है, या जैसे इफ यू आर Where if you are seeing any match between India and Pakistan and our nation is about to defeat Pakistan, then you will come to know ki the particular bowler ya batsman who is on the field, we just ekdam passionate ho jate hain, tamam clapping, tamam sab kuch aap samajh sakte hain ki what I want to say, us samay ka jo atmosphere hota hai ya jo gaane wagaira jo patriotic song gaaye jayenge un sab mein kya niklega, un sab mein rising rhythm niklega। बैलड में भी मोस्ट प्रोबेबली राइजिंग रिदम होता है, जो वीर रस से आल्हा और उदल से संबंधित जो आल्हा बनाए गए हैं, जो एक गीत बनाए गए फॉक सॉन्ग, उनमें भी राइजिंग रिदम होता है। फॉलिंग रिदम ज्यादातर वहां पर है जहां पर कि आपका
एक तरह से मेलंकोलिक है, सैड है, थोड़ा सा एक तरह से आप कह दें कि बहुत ही स्लो लाइफ है वहां पे, या डार्क साइड ऑफ लाइफ है वहां पे, फॉलिंग रिदम होगा। और फॉलिंग रिदम अमूमन जो है, जो प्रकट किया गया है वो एल एम एन ए ई आई ओ यू, इन सब चीजों को लेकर के फॉलिंग रिदम का, एल एम एन ए ई आई ओ यू, ज्यादातर इसका यूज किया जाता है। यू कैन जस्ट से कि इन सब चीजों का एग्जैक्टली ऐसे ही रहता है। सो डिड यू गेट इट, बिकॉज आई हैव टू डिलीट ऑल द स्लाइड। नाउ टेल मी टाइम। फाइव ट्वेंटी, वी हैव टाइम। या इट्स 28, या आई विल टेक ओनली टू टू मिनट, नॉट मोर देन 2 मिनट, या नॉट मोर देन 2 मिनट। या वन थिंग आई वुड लाइक टू टेक, एक इंपॉर्टेंट चीज लेना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वॉट कि वेन वी टॉक अबाउट दीज थिंग देन रिमेंबर दैट कि साउंड, या साउंड साउंड से रिलेटेड है ईओफोनी, ई यू पी एच ओ एन वाई, इसका मतलब कि स्वीट साउंड। दूसरा है कैकोफोनी, इसका मतलब होता है हार्श टोन। ये दो चीजें साउंड से रिलेटेड, ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। साउंड में कौन सा, एक तो ईओफोनी जहां स्वीट साउंड है, दूसरा कैकोफोनी जहां पे हार्श टोन है या हार्श साउंड है। बाकी जो है चीजें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बट आई वुड लाइक टू टेक वन मोर थिंग। एक तो शब्द आपका इमेज, इमेज के बारे में बताया गया था, इट्स अ वर्ड, इट्स अ वर्ड पिक्चर। नेक्स्ट है सिंबल, या गिविंग यू टाइम, गिविंग यू सिंबल। वर्ड बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग, या तो एक चीज हमने ये बताया कि इमेज जो है इसका मतलब क्या होता है, वर्ड पिक्चर सिंबल, कोई भी वर्ड जो बियॉन्ड डिक्शनरी मीनिंग होगा उसको क्या कहा जाएगा, सिंबल कहा जाएगा। पहले वाले में है ईओफोनी एंड कैकोफोनी, ईओफोनी एंड कैकोफोनी। तो इन दिस वे वी हैव डन इट। कल का क्लास का जो है हम आपको मैसेज करेंगे, टाइमिंग अगर रखेंगे तो शाम को ही रखेंगे, मॉर्निंग वॉर्निंग में कोई नहीं। हाँ तो टुमारो देर इज आई आई कांट टेल यू दैट एग्जैक्ट टाइम की, लेकिन अगर क्लास होगी तो शाम को होगी, मैं आपको जो है मैसेज डाल दूंगा। ओके ओके।